हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी मिठाई मैंगो कलाकंद, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। इसके लिए लेंगे हम एक बड़ा मीठा आम, दो इलायची, आधी चम्मच घी और चीनी ली है 3/4 कप। दूध लेंगे 1/2 लीटर। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे दूध। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है हम मैंगो काट के रख लेंगे। तो सबसे पहले हम आम को छील लेंगे और छीलने के बाद उसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो अब लेंगे मिक्सर ग्राइंडर और स्मूथ प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। मैंगो प्यूरी बन के रेडी हो चुकी है, हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। मैंने साबुत इलायची को हल्का सा कूट लिया था और उसका छिलका हटा दिया है। चीनी आप स्वाद के अनुसार डाल लें क्योंकि आम भी बहुत मीठा होता है, तो मैंने थोड़ी सी चीनी बचाई है। अब चम्मच को लगातार चलाते रहें और दूध को अच्छे से उबलने दें। फ्लेम को रखें मीडियम हाई। हमें दूध को इतना बॉईल करना है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। अब ली है मैंने एक स्टील की थाली या प्लेट, उसे आप घी से ग्रीस कर लें। आप चाहे तो केक मोल्ड भी ले सकते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को करेंगे हम लो और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। आप धीरे धीरे मैंगो प्यूरी ऐड करें और फ्लेम को लो रहने दें। चम्मच से अच्छे से मिलाएं जिससे कि आम और दूध आपस में अच्छी तरह मिल जाएं। तो अच्छे से मिल चुके हैं आम और दूध। अब हम करेंगे फ्लेम को हाई। अब आप देख सकते हैं दूध नेचुरली फटना शुरू हो जाएगा। ना हम इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, ना ही हमने इसमें नींबू ऐड करा है, बट जो नेचुरल खटाई होती है आम में उसके कारण दूध धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा और कलाकंद हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब करें फ्लेम को मीडियम हाई और इसे चम्मच से लगातार चलाते रहें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जैसे ही इसका पानी हल्का सा रिड्यूस हो जाए इस स्टेज पे हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी से इसे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी शाइनिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करा है। इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, दानेदार है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मार्केट की कलाकंद हमें मिलती है। अच्छे से गाढ़ा होने के बाद हम करेंगे फ्लेम को बंद और इसे डायरेक्ट निकालेंगे अपनी ग्रीस वाली प्लेट पर और अच्छे से लेवल करेंगे और सेट करेंगे। आप चाहें तो केक मोल्ड ले लें और उसमें बटर पेपर लगा के भी मिठाई को जमा सकते हैं। अब इसे हम गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम और काजू से। देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रही है। अब इसे हम चाकू से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे और 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र के में रख देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मैंगो कलाकंद बनके बिल्कुल रेडी है। टेक्सचर बहुत ही दानेदार है। अब जब भी कोई गेस्ट आए तो बाहर से मिठाई ना लाकर आप ये टेस्टी मैंगो कलाकंद घर में झटपट बनाएं और इसके मज़े लें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।